हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको लेकर आई हूँ न्यू मार्केट में। न्यू मार्केट कोलकाता का सबसे सुंदर और बहुत ही अच्छा मार्केट है, जहाँ पे आपको कम से कम प्राइस में, यानी बहुत ही सस्ते प्राइस में सारे वैरायटीज मिल जाते हैं, कपड़ों के, ज्वेलरीज के, हर चीज आपको एक बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल जाता है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुर्तीज के कलेक्शन, एंड यहाँ पे आपको शूज, पर्स, ज्वेलरी, इन सब कलेक्शंस मिलेंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको सारे कलेक्शंस मिल सके। शॉप्स की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज लेकर आई हूँ आपके लिए न्यू मार्केट का एक और वीडियो है, तो चलिए मेरे साथ दिखाती हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, एंड साइड में बेल आइकन है उसे प्रेस करना, ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी कि अगर आपको नए नए कपड़ों के शौक हैं और आप महीने दो महीने में कपड़ों को चेंज करते हैं, यानी वार्डरोब अपना चेंज करते हैं, अपने फैशन ट्रेंड्स चेंज करते हैं, तो यहाँ पे आकर आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वीकली स्टॉक नए नए आते हैं। एंड इस वीडियो में मैं जितने भी स्टॉक्स दिखाऊंगी उनके प्राइस लगभग 500 के अंदर अंदर होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत कुर्तियां हैं जो रेगुलर वेयर और पार्टी वेयर में आप पहन सकते हैं, एंड इन सब के प्राइस लगभग 200 से 300 के बीच में है। एंड यस, यहाँ पे आप जब भी आए, कोई भी शॉप में जाए, बार्गेन जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बार्गेन करेंगे तो आपको और भी अच्छे अच्छे प्राइस में वैरायटीज अच्छी अच्छी मिल सकती हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको इस तरह का श्रक के साथ कुर्ती मिल जाएगा जो पार्टी वेयर है। ये सारे भी लगभग 500 से 600 के अंदर ही है, आप यहाँ बार्गेन कर सकते हैं। ये व्हाइट एंड पिंक फ्लोरेंट वाला है, जो बहुत ही कैजुअल वेयर में आप पहनना चाहें तो आप इसे पहन सकते हैं, बहुत ही प्रिटी लगता है। ये मरून कलर में नीचे बॉर्डर आप देख सकते हैं गोल्ड कलर का है, एंड नेक पे भी गोल्ड कलर का बॉर्डर लगा हुआ है जो बहुत खूबसूरत था। ये ब्लू वाला है जो पार्टी वेयर के हिसाब से है, या फिर आप किसी वेडिंग में जाते हैं तो भी आप इसे पेयरअप कर सकते हैं दुपट्टा वगैरह के साथ, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। एंड इसमें अगर आप हैवी इयररिंग भी ऐड कर ले तो बहुत लगता है। ये ब्लैक कलर का आप यहाँ पे कुर्ती देख सकते हैं, इसमें भी काम किया हुआ है, और यहाँ पे आप देखोगे जरी का बॉर्डर लगा हुआ है जो बहुत सुंदर है। ये है आपका ग्रीन टोन में जिसमें गोल्डन प्रिंट का काम किया हुआ है, ये भी बहुत सुंदर मुझे लगा। एंड ये सबके प्राइसेस मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, 500 to 600 के अराउंड है, आप यहाँ पे बार्गेन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे भी आप देखेंगे गोल्डन कलर का बॉर्डर है और जरी बूटीज वगैरह का यहाँ पे काम है, आप यहाँ पे देखिए स्टोन वर्क भी है, और नीचे में जो आप प्रिंट देख रहे हैं वो जरी टाइप का उसका बॉर्डर था नीचे की तरफ। एंड यहाँ पे आप देखेंगे गोल्डन प्रिंट है, यहाँ पे ग्रीन कलर का बेस है, बहुत ही खूबसूरत है। ये सारे आप पार्टीज हो या फिर शादी वगैरह में अगर आप पहनना चाहें तो पहन सकते हैं, पार्टीज में भी आप इन्हें पेयर अप कर सकते हैं किसी भी हैवी इयररिंग्स के साथ, बहुत प्यारे लगते हैं। यहाँ पे बेबी पिंक कलर में आपको मिल जाएगा, और इसका जो नीचे का बॉर्डर है ना वो बहुत ही हैवी वर्क किया हुआ है, प्रिंट में है बेसिकली, जो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। एंड यहाँ पे आप देखिए अगेन ग्रीन कलर पे गोल्डन का काम किया हुआ है, प्रिंटेड काम है, जो बहुत ही अट्रैक्टिव लगा मुझे। ये सारे कलेक्शंस मुझे अच्छे लगे थे। यहाँ पे आपको चिकन वर्क का भी कुर्तीज मिल जाएगा, यहाँ पे चिकनकारी किया हुआ है, एंड आई स्वेयर इतने कम प्राइस में इतना अच्छा काम मुझे लगा कि बस आई वॉज लाइक कि आप लोग के साथ शेयर करना बनता है। उसके बाद यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का भी मिल जाएगा, तो आप यहाँ देख सकते हो इस तरह का ब्लैक कलर में भी काम है। आई थिंक ये डेली वेयर में, और कभी अगर आप पार्टी वगैरह में भी जाते हैं तो आप इसे पेयर अप कर सकते हैं, बहुत ही स्मार्ट लगता है। अब चलते हैं ज्वेलरीज के सेगमेंट में। यहाँ चूड़ियाँ बॉस बहुत सुंदर सुंदर मिलते हैं, चूड़ा हो जो शादी में पहना जाता है वो भी कम से कम, एक चूड़ा मैंने यहाँ पे देखा था जो 100 रुपीज से स्टार्ट होता है, तो वो बहुत बेसिक था, बट यहाँ पे 100 से शुरू होती है चूड़ियाँ, एंड देन इट गोज टू 1000 ऑल्सो, पर आप यहाँ पे बार्गेन कर सकते हैं। ये वो चूड़ा है
है जो 100 रुपए के अप्रोक्स मैंने देखा था। उसके बाद यहाँ पे कांच की चूड़ियाँ है, और आजकल जो फैशन में है ना एकदम मैट फिनिश टाइप की चूड़ियाँ भी मैंने यहाँ पे देखी थी, ये देखिए इस टाइप का था। बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियों के कलेक्शन है, आप इन्हें मिक्स मैच करके अपना चूड़ी बना सकते हैं। या ज्वेलरीज है, ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज बहुत सुंदर सुंदर थी, ये कुछ यूनिक मुझे लगा जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत ही एक्सक्लूसिव लगा। आप इन्हें किसी भी साड़ीज जो होते हैं कॉटन साड़ीज उन सब के साथ आप इन्हें पेयर अप कर सकते हैं पार्टीज में। एंड देन यहाँ पे बहुत सारे ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज भी थे। यहाँ पे मैं जितने भी ज्वेलरीज आपको दिखा रही हूँ इनके स्टार्टिंग प्राइस है 250 से लेके 500 तक। आप यहाँ पे जितने भी ज्वेलरीज देख रहे हैं आप यहाँ पे बार्गेन कर सकते हैं, हर तरह की ज्वेलरीज आपको यहाँ अवेलेबल होंगी, चाहे वो वेडिंग ज्वेलरी हो या फिर चोकोर का नेकलेस हो, डायमंड नेकलेस हो, पर्ल्स का नेकलेस हो, ऑक्सीडाइज्ड इयररिंग्स हो या लॉन्ग इयररिंग्स, जो ज्वेलरीज आपके दिमाग में है आपको वहां पे मिल जाएंगी कम से कम प्राइजेस में, और बेहतरीन कलेक्शंस आपको यहां पे मिलेंगे हर हफ्ते। अगर आप यहां पे आते हो या चेकआउट करें तो यहां पे न्यू कलेक्शंस मिलेंगे, बैंगल्स के कलेक्शंस भी आपको मिलेंगे, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, कड़ा हो गया, चूड़ियां हो गई कांच की, अलग अलग चीजें आपको यहां मिलती रहेंगी। चूड़ियों के प्राइस भी अलग अलग है पेयर्स के हिसाब से। यहाँ पे आप इयररिंग्स देख सकते हैं, बेहद खूबसूरत है, कुछ के साथ मांग टीका का भी पेयर है, यहाँ पे आप देख लीजिए मांग टीका के साथ है। एंड ये है आपका कमरबंद, ये सबकी भी प्राइजेस लगभग उतने ही है 350 अप्रोक्सीमेटली, जिनको आप बार्गेन करके और कम से कम प्राइस में ले सकते हैं। यहाँ पे जो नेक पीसेस है ये भी बहुत कम प्राइजेस में है, 250 टू 300 का है, बार्गेन कर सकते हैं और कम में आपको मिल जाएगा। मुझे न्यू मार्केट बहुत पसंद है क्योंकि जब भी मैं यहाँ पे शॉपिंग करती हूँ मुझे बार्गेन करके बहुत प्रॉफिटेबल प्राइस में सारी इयररिंग्स ज्वेलरीज मिल जाती हैं। यहाँ पे देखिए अलग अलग वैरायटी आपको मिल जाएंगी इयररिंग्स के, हर टाइप का आपको यहाँ पे इयररिंग कलेक्शंस मिल जाएगा, हैवी से लेके छोटे छोटे इयररिंग्स तक। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह के कड़े हैं, फैंसी कड़े जो ऑक्सीडाइज टाइप में बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए हर तरह के आपको ज्वेलरीज मिल रहे हैं जो बहुत ही प्यारे। ये सारे जो पेंडेंट्स आप वहाँ पे देख सकते थे इनको आप स्टेटमेंट नेकलेस की तरह भी यूज कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है साड़ीज में। यहाँ पे आप देखिए ये जो सेट्स हैं ये थोड़े से एक्सपेंसिव मुझे लगे, 600 के रेंज में थे, बार्गेन करेंगे तो और कम प्राइस में ये आपको मिल जाएगा। थोड़ा हैवी कलेक्शन था एंड जब मैंने इसे देखा था इनके क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। एंड यहाँ पे इयररिंग्स भी थी, बहुत सुंदर सुंदर टाइप के इयररिंग्स थे। नीचे आप देखेंगे तो ये फुल सेट्स आपको मिल जाएंगे, इनके प्राइस भी लगभग 500 के अप्रॉक्स है एंड यहाँ पे आप बार्गेन कर सकते हैं। अब आते हैं खाना पीना करने, क्योंकि भैया शॉपिंग करते करते भूख लग जाती है। तो यहाँ पे हम लोग ने खाया है कॉर्न चाट, देन यहाँ पे बहुत कुछ मिल जाता है जैसे पानी पूरी हो गया। खाने पीने के स्टॉल्स के साथ साथ होटल्स भी आसपास में है, तो यहाँ पे हमने खाया था स्वीट कॉर्न, एंड स्वीट कॉर्न के भी अलग अलग प्राइजेस हैं, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। एंड आई टेल यू इट्स वेरी वेरी यम्मी, बहुत टेस्टी होता है, एंड आई लव स्वीट कॉर्न, मुझे स्वीट कॉर्न्स बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैंने भैया को बोला था मसाला वाला बनाने, यानी मसाला चाट टाइप्स, तो इन्होंने बनाया था एंड बहुत ही टेस्टी था। एंड यहाँ पे ये बन रहा है नींबू वगैरह डाल के, बहुत ही अमेजिंग था ये। यहाँ पे मेरी मॉम ने ये चाट बहुत इंजॉय किया, शी रियली लव्स इट। सो वी आर एंजॉयिंग स्वीट कॉर्न विच इज वेरी यम्मी, एंड यहाँ पे 30 टू 40 के रेंज में आपको अलग अलग साइजेस मिल जाते हैं, अलग अलग प्राइजेस मिल जाते हैं। शॉपिंग के साथ यू कैन एंजॉय दिस एज वेल। आप आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको अलग अलग फ्लावर्स वगैरह भी मिल जाएंगे अपने घर को डेकोरेट करने के लिए। यहाँ पे पर फ्लावर का भी प्राइजेस अलग अलग होता है, और अगर आप बेल लेने जाएं तो उनके प्राइजेस भी अलग होते हैं। यहाँ पे आप बार्गेन कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको अगर फ्लावर और वाज चाहिए उनके भी प्राइस अलग है। एंड आपको मैंने यहाँ पे पहले ही बता दिया है, जो भी चीज़ मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है सब 500 के अंडर है, यानी 500 के नीचे आपको मिलेंगे, तो आपको यहाँ पे बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा कि कोई भी आप चीज़ यहाँ पे खरीदेंगे तो आप बार्गेन करके और सस्ते प्राइस में ये सब अवेल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं किचन की तरफ, तो किचन में लगते हैं बर्तन, चाहे वो कांच के हो, मग्स हो, ग्लासेस हो, प्लेट्स हो,
चम्मच हो, सर्विंग चम्मच हो, या फिर ट्रे हो, बॉटल्स हो, या कोई भी ऐसे डब्बे हो प्लास्टिक के, ये सब आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे प्राइजेस में मिल जाएंगे। बार्गेन करेंगे तो और अच्छे प्राइस में मिलेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे यूनिक डिज़ाइंस वगैरह भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे मुझे स्पून्स वगैरह बहुत अच्छे लग रहे थे, जैसे ये वुडन वाला स्पून मुझे बहुत पसंद है, मैंने 2-3 उठा लिए थे यहाँ से। प्लास्टिक के सर्विंग स्पून भी मुझे बहुत पसंद आए थे, तो वो भी मैंने उठाया था। एंड ये सब 10-10 रुपीज पर पीस है, बार्गेन करके मुझे और सस्ते प्राइस में मिल गया था, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई कि मेरी शॉपिंग अच्छी अच्छी यहाँ पे हुई है इस बार। तो इस बार क्या, हर बार जब आती हूँ तो मेरी बहुत अच्छी शॉपिंग हो जाती है, एंड हमेशा मैं आप लोग के साथ कुछ ना कुछ न्यू मार्केट के लिए शेयर करती हूँ। एंड यस दोस्तों, मैं आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियोज में इतना प्यार दिखाया। अब चलते हैं सिम पार्क मॉल में। मैं यहाँ पे ज्यादा वीडियो तो नहीं ले पाई, पर जितना भी लिया मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। यहाँ पे लहंगे बहुत खूबसूरत मुझे लगे, एक बार जरूर आइएगा अगर आपको इंडियन आउटफिट्स देखना हो तो। यहाँ पे लहंगे मुझे बहुत सुंदर सुंदर दिखाई दिए, साड़ीज भी बहुत अच्छे अच्छे थे। वेस्टर्न कलेक्शंस में ज्यादा देख नहीं पाई क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं था, पर जितने भी मैंने देखी वॉज गुड, एक बार आप देख सकते हैं। सारी कलेक्शन मुझे बहुत सारे यहाँ पे दिख रहे थे। एंड यहाँ पे देखिए इस तरह के आपको कुर्तीज भी मिल जाती हैं अंदर अंदर, और भी जाएंगे। नेक्स्ट टाइम मैं जाऊंगी तो डेफिनेटली अंदर से पूरा बना के लाऊंगी, बट इस बार टाइम नहीं था ज्यादा, तो मैंने बस बाहर बाहर से एक बार दिखाया कि किस टाइप के कलेक्शंस आपको यहाँ मिलेंगे। ये आपको कुर्ती मुझे बहुत पसंद आई थी रेड कलर में, एंड यहाँ पे बहुत सारी कुर्तियां मैंने देखी हैं जो कम प्राइजेस में है, बट आप यहाँ पे बार्गेन करोगे तो ऑब्वियसली आपको प्राइजेस कम में मिलेगा। सिम्पर्क मॉल में मैंने अभी तक शॉपिंग नहीं की है तो मुझे उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है कि यहाँ का प्राइजिंग का क्या सीन है, बट कलेक्शंस मेरे को लहंगों का यहाँ पे अच्छा दिखाई दिया। फिर चलते हैं बाहर की तरफ और देखते हैं बाहर में कुर्तीज है। अब चलते हैं शूज की तरफ, यहाँ पे शूज दिख गए मुझे, तो यहाँ पे शूज भी बहुत सुंदर सुंदर थे, चाहे बेलीज बोलिए, बेलीज वगैरह भी। अगेन मैं आपको बता रही हूँ हर बेली का प्राइस आपको यहाँ पे 250 to 500 के बीच में है, अलग अलग आप यहाँ पे बार्गेन कर सकते हैं। मोस्टली 350 के अंडर ही होता है, नॉट 500 ऑल्सो, बहुत ही मुश्किल से 500 होगा, बट ये सारे जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ 350 to 250 के बीच में है, बहुत ही कम प्राइस है। आप यहाँ बार्गेन करेंगे तो और सस्ते में आपको ये सब मिल जाएगा। मुझे न्यू मार्केट आना बहुत ही ज्यादा पसंद है क्योंकि यहाँ पे हर हफ्ते या 2 हफ्ते में जब भी मैं यहाँ आती हूँ स्टॉक कलेक्शन चेंज हो आते हैं और वैरायटीज मिल जाती हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह के आपको यू नो राजस्थानी स्टाइल या पंजाबी स्टाइल के पटियाला स्टाइल के मोजरी मिल जाएंगे जो बहुत ही खूबसूरत है, एंड इन सब का प्राइस है लगभग 250 and 300 के बीच में है अप्रोक्सीमेटली। एंड यहाँ पे आप बार्गेन कर सकते हैं और भी वैरायटीज देख सकते हैं, इनके पास वैरायटीज बहुत है। और सबसे खास बात, यहाँ बच्चों के लिए भी मोजरी मुझे यहाँ पे दिखाई दी जो बहुत ही खूबसूरत मुझे लगा। ये मोजरीज आप किसी भी इंडियन आउटफिट के साथ वेयर अप कर सकते हैं, चाहे वो कुर्तीज हो, चाहे वो साड़ी हो या लहंगा हो, चार चांद लग जाते हैं, बहुत खूबसूरत है। और ये देखिए बच्चों के लिए, ये लड़कों के लिए है मोजरी, जिसे कुर्ता पजामा के साथ पहन सकते हैं, बहुत क्यूट लगते हैं इस तरह के मोजरीज। उसके बाद बच्चों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी है, तो आप वहाँ पर ज़रूर से जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर गर्ल्स के लिए बेलीज आ जाती हैं, अगेन ये सब 350 और 250 के बीच में है। ये देखिए ये भी पटियाला मोजरी है जो बहुत खूबसूरत लग रहे थे, एंड ये न्यू कलेक्शंस हैं बेलीज के, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कितने अच्छे-अच्छे कलेक्शंस हैं। एंड अगेन यहाँ पे जो भी मैं आपको बेलीज दिखा रही हूँ वो 250 एंड 350 के बीच में ही है, बार्गेन कर सकते हैं। बहुत ही सारे बहुत सारे कलेक्शंस थे शूज के, तो यहाँ पे मैंने शूज के कलेक्शंस, चाहे वो बेलीज हो, हिल्स हो, शादी के लिए हो, शादी वाले अभी आपको आगे मैं वीडियो में दिखाऊंगी, बहुत सारे हैं, यानी वेडिंग कलेक्शंस के हिसाब से, ये कैजुअल वेयर के हिसाब से आप ले सकते हैं, रेगुलर वेयर के हिसाब से ले सकते हैं। जैसे मैं बहुत शौकीन हूँ कि मुझे शूज बहुत पसंद है, अलग अलग टाइप के होने चाहिए, एंड 2-3 महीने में तो मैं शूज बदल ही लेती हूँ। एंड यस, ये वाला जो स्लिप ऑन्स है इस तरह के फर वाले आजकल बहुत ट्रेंड में है। यहाँ पे आप देख लीजिए ये आ गया है वेडिंग कलेक्शन के हिसाब से, पार्टीज में पहन सकते हैं इस टाइप का। एंड यहाँ पे मैं बोलूंगी कि ये शूज थोड़े एक्सपेंसिव हैं, बिकॉज ये हो जाते
जाते हैं 500 के अंडर में, मतलब 350 टू 500 के बीच में है, मैं 250 का रेंज नहीं बोल सकती यहाँ पे। यहाँ पे आप बार्गेन करके आराम से प्राइस कम कर सकते हैं। ये सारे वेडिंग कलेक्शंस हैं तो 500 अप्रॉक्सीमेटली बन जाता है इन सब का प्राइस, एंड यहाँ पे आप बार्गेन कर सकते हैं। मोजरी है, ब्लॉक हिल्स है, पेंसिल हिल्स हैं, बहुत सारे वराइटीज़ आपको यहाँ पे मिलेंगे। आप यहाँ पे पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सुंदर सुंदर शूज़ के, हिल्स के कलेक्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए, ये रहा ब्लॉक हिल, यहाँ पे ब्लॉक हिल्स भी बहुत सारे थे। फॉर्मल के हिसाब से बहुत अच्छे अच्छे मुझे शूज़ लगे। मैंने 2-3 स्टेलेटोज लिए थे एंड मुझे बहुत कंफर्टेबल फील हुआ। आई वॉज लिटिल डाइसी टू परचेज बट मैंने खरीद लिया, मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे वेडिंग के हिसाब से मुझे ये सारे अच्छे लग रहे थे तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। एक ये सिल्वर वाला था एंड ये गोल्ड वाला, तो आई वॉज लिटिल कन्फ्यूज कौन सा लूँ, तो मुझे लगा गोल्ड लेना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, सारे ड्रेसेस के साथ मैच हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए, सारे कलेक्शंस मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं जो आप पसंद कर सकते हैं। इन सब का डिटेल्स आपको मैं नीचे दे दूंगी ताकि आप जब भी जाएं तो ये एक ही लाइन में सारे शॉप्स हैं। आप कहीं पे भी चले जाएं, किसी भी शॉप में चले जाएंगे, आपको बेहतरीन प्राइस वहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। एंड यहाँ पे देखिए, ये है एक और जो मुझे बहुत पसंद आया था, गोल्ड कलर में। एक वो वाला था वी शेप में एंड ये वाला आपको इस तरह का राउंड शेप में मिल रहा है जो फुल लेग को ऊपर से कवर कर रहा है, जो मुझे अच्छा लगा। एंड यहाँ देखिए, ये है वाइड रेंज ऑफ ब्राइडल काइंड ऑफ, मुझे ये ब्राइडल ही लगा। एंड आप इसे चाहे तो यू नो पार्टीज वगैरह में वेयर अप कर सकते हैं, जैसे कि किसी के एंगेजमेंट में जा रहे हो या किसी के शादी में जा रहे हो या खुद की शादी भी क्यों ना हो, आप इन सब टाइप के शूज़ को ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस है एंड लिटरली टेलिंग यू, ये 500 के रेंज में मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं। आप मार्केट में जाएंगे तो और बार्गेन करके चीप प्राइस में भी अवेलेबल हो सकते हैं। अब चलिए पर्स दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो पर्स है 350 से लेके 500 के बीच में है एंड यहाँ पे क्लचेस आपको दिख जाएंगे। ये वाला जो क्लच है मुझे अच्छा लगा था और इसके ऊपर में आप ये वाला देखिए, ये वाला भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। मल्टी कलर है, हर ड्रेसेस के साथ जा सकता है, इसलिए मैंने ये वाला भी परचेज किया था। और इसके साथ एक पोटली भी थी, वो भी मैंने लिया है, सॉरी मैंने क्लिप में ऐड नहीं किया। एंड यहाँ पे भी आप डेली वेयर के हिसाब से बैग्स देख सकते हैं, बहुत सारे बैग्स हैं एंड दे आर वेरी ब्यूटिफुल। आप डेली वेयर किसी को गिफ्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर एंड वैरायटी ऑफ कलर्स, आप जो कलर इमेजिन कर सकते हैं उन कलर के आपको यहाँ पे पर्सेस अवेलेबल हो जाते हैं। एंड यहाँ पे देखिए, थोड़े एथनिक स्टाइल के भी आपको यू नो पर्स मिल जाएंगे जो बहुत खूबसूरत है। एंड यहाँ पे देखिए, इस तरह के आपको नॉर्मल जैसे कॉलेज गोइंग गर्ल्स होती हैं उनको पर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है, उस टाइप के पर्सेस भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। अब चलते हैं लास्ट सेगमेंट की तरफ जो है मेकअप। एंड मेकअप लड़कियों की जान होती है, लड़कियों को मेकअप करने का बहुत शौक होता है, इसलिए यहाँ पे आपको हर टाइप के कॉस्मेटिक्स मिल जाएंगे। काजल मिल जाएगा, लिप शेड्स, चाहे मैट फिनिश हो, लिक्विड फिनिश हो, हर चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल होगी। आई एम सॉरी, मुझे मेकअप का इतना आइडिया नहीं है बीइंग अ गर्ल, बट फिर भी मुझे शौक सिर्फ 2-3 चीज़ों का है। एक लिप ग्लॉस, लिप शेड्स एंड लिटिल लिप बाम का मुझे शौक है, इससे ज़्यादा मैंने मेकअप कभी किया नहीं है। एंड मुझे पता नहीं होता है कि मैं इन सारे ब्रांड्स का क्या नाम लूँ। मोस्टली मैंने मैक यूज़ किया है बट मैंने यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स देखे थे इनके नाम नहीं जानती मैं। बट यस, यहाँ पे न्यू मार्केट के अंदर मैंने हर दूसरे तीसरे शॉप के पास में इस तरह के मार्केट देखे, तो मैंने सोचा यहाँ से मैं 2-3 लिप शेड्स ले जाऊँ। तो एक मैंने हुडा का लिप शेड लिया था, लिक्विड वाला, वो भी बहुत अच्छा था, लॉन्ग लास्टिंग था एंड प्राइस भी बहुत अच्छा था। इन सब का आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साइड में एक बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के इंफॉर्मेशन मिलते रहे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बाय गाइस।